गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर से ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 6, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2, होल नंबर्स। होल नंबर्स डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वी डिनोट नेचुरल नंबर कैपिटल एन, एंड कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के अंदर 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इट मीन्स जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे पास वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के अंदर स्मॉल सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1, एंड देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर इन नेचुरल नंबर्स। सेकेंड है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अगर नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो वह ग्रुप बन जाएगा हमारा होल नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 0। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, इफ वी एड 4 + 5 बाय यूजिंग नंबर लाइन, अगर हम नंबर लाइन का यूज करके 4 + 5 का ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 4 + 5 क्या होगा, 9 होगा। लेकिन अब इसे नंबर लाइन का यूज करके आपको ऐड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0, इस पर नंबर्स राइट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 and 11। अब ऐड करने का जो स्टेप होता है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर्स जब हम ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, लेकिन नेगेटिव सब्ट्रैक्शन की तरफ अगर नेगेटिव नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे नंबर लाइन की तरफ। तो स्टार्टिंग नंबर क्या है, 4, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 जंप करेंगे, 1, 2, 3 and 4। तो 4 जंप करने के बाद हम कहाँ पर पहुंचे, किस नंबर पर पहुंचे हम, 4 पर। आफ्टर दैट कितने जंप करने, 4 के बाद 5 जंप, 1, 2, 3, 4 and 5। तो नंबर आएगा हमारे पास 9। तो 4 + 5 नंबर लाइन यूज करके रिजल्ट क्या आता है, 9। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, 3 + 6 हमें ऐड करना है नंबर लाइन यूज करके, तो इसका रिजल्ट तो आना है 3 + 6, 9, लेकिन हमें नंबर लाइन यूज करके इसको ऐड करना है। तो ऐसे ही नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर नंबर्स लिखेंगे हम, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब स्टार्ट 0 से करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है, 3, तो 3 जंप करेंगे, 1, 2, 3, पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो रहा है, अगर नेगेटिव नंबर होता तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम मूव करते हैं। आगे एग्जांपल्स देखेंगे, देखो 3 नंबर था, 0 से 3 जंप किया तो किस नंबर पर पहुंचे हम, 3 नंबर। अब 3 के बाद कितने जंप करने, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो इसका रिजल्ट भी क्या है हमारे पास, 9। नंबर लाइन पर ऐसे हम ऐड करते हैं नंबर। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल
8 माइनस 3 आपको नंबर लाइन यूज करके करना है, 8 माइनस 3 तो इसका रिजल्ट कौन है 5, लेकिन हमें नंबर लाइन यूज करके सॉरी सबट्रैक्ट करना है, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, तो नंबर लाइन यूज करके सबट्रैक्ट करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. अब देखिए स्टार्टिंग नंबर क्या है, 8, 8 पोजीशन से शुरू करेंगे, 8 नंबर से हम, नेक्स्ट नंबर माइनस 3 है तो 8 नंबर से ही लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, 3 माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, तो 8 से हमने स्टार्ट किया, 3 मूव करेंगे, 1, 2 and 3, तो किस नंबर पर पहुंचे हम 5 पर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 5, नंबर लाइन यूज कर। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, हमें इस गिवन नंबर के बाद वाले 3 नंबर हमें फाइंड करने हैं नेचुरल नंबर्स, तो कैसे करते हैं सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन नंबर हमारे पास 10999, नेक्स्ट 3 नंबर फर्स्ट नंबर फाइंड करना है इसके बाद वाला, तो प्लस 1 करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस करके देखते हैं 10999 में 1 प्लस करना है, 9 plus 1, 10, 1 कैरी, 9 plus 1, 10, अगेन 1 कैरी, 9 plus 1, 10, अगेन 1 कैरी, 1 plus 0, 1 and 1, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1100. ये फर्स्ट नंबर है, अब नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 1110000, अगेन इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1 plus 1 अगेन ऐड करते हैं इसमें 0 plus 1, 1, 0, 0, 1, 1, तो नंबर आया हमारे पास 1101, दो नंबर आ गए हमारे पास, लास्ट 3 नंबर थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए इसमें 1 प्लस करेंगे 1101 plus 1, तो 1 प्लस करते हैं अगेन इसमें 1 plus 1, 2, 0, 0, 1, 1, तो नंबर हमारे पास आया 1102, ये 3 नंबर्स हमारे पास आंसर होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, तो हमें टोटल होल नंबर्स फाइंड करने इन नंबरों के बीच में, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कभी भी हमें गिवन नंबर्स के बीच में अगर होल नंबर्स या कोई अदर नंबर्स फाइंड करने तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज इस मेथड को अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे 53 में से 32 को माइनस करेंगे, 3 में से 2, 1, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2, तो जो रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज उसमें से अगेन माइनस करना, 1 माइनस करना होगा, 1 में से 1 गया तो 0 और 2 का तो 20, तो ध्यान रखें मेथड क्या है, जो गिवन नंबर है उसके बीच में अगर हमें नंबर्स फाइंड करने हैं तो ऑलवेज बड़े नंबर में से लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस करेंगे और उसके बाद 1 नंबर हमेशा माइनस करके आंसर दे देंगे, तो 20 आंसर आएगा हमारे पास। इट मीन्स 32 और 53 के बीच में टोटल होल नंबर्स कितने होंगे, 20 होल नंबर्स, हेंस टोटल 20 होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53 answer, that is answer। अब जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन करने हैं
सेम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपको होमवर्क में करने हैं।